आप में से 99% लोग डेली के कामों के लिए विंडोज के ऊपर डिपेंड होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि विंडोज 10 और 11 एब्सोल्युटली फ्री कर दी गई है, लेकिन विंडोज 8 के लिए 8,000 रुपए लिए जाते थे अगर आपको ओरिजिनल लाइसेंस की चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट यहां पे इतना दयालु कैसे हो रहा है, इस चीज को आज इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट अपना कटवा रहा है या फिर आपका काटने पर आ गया है। थोड़ा सा पास्ट की तरफ देखते हैं, तो जिस प्रोडक्ट ने माइक्रोसॉफ्ट को आज माइक्रोसॉफ्ट बनाया, आज उसी को ये लोग फ्री में क्यों देने लगे, कुछ तो झोल होगा ना। अगर आप लोगों को याद हो तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 जब लॉन्च करी थी तो कसम खाई दी थी कि ये वाला विंडोज का वर्जन फाइनल है और इसके बाद विंडोज हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी, इसके बाद जितने भी अपग्रेड्स आएंगे वो सबको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। अगर उसके पहले आप अगर ध्यान दो तो विंडोज 7 इन्होंने 3200 रुपीज की बेची थी और विंडोज 8 के 8,000 रुपए लिए थे, तब इनका दिल क्यों नहीं पसीजा कि विंडोज 8 का फ्री अपग्रेड दे देते हैं 7 वालों को। तो यहां पे टर्न्स आउट कि पूरा का पूरा जो अर्निंग मॉडल या फिर जो बिजनेस मॉडल है माइक्रोसॉफ्ट का, ये पूरा का पूरा यहां पे रीवैम्प यहां पे चेंज कर दिया गया है। आज इसी को फटाफट से डीकोड कर लेते हैं। नए अर्निंग मॉडल की तरफ देखें तो यहां पे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनके लिए विंडोज फ्री कर दी गई है, लेकिन ये बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब विंडोज लॉन्च हुई थी, इतने साल से चल रही थी, तब बिजनेसेस इतने ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन 2015 के बाद जैसे ही इंटरनेट का नया यहां पे एरा आ गया, सब लोग ऑनलाइन आ गए और सारे बिजनेसेस में मल्टीपल कंप्यूटर्स की नीड पड़ती है आजकल ऑपरेट करने के लिए, तो ये चीज माइक्रोसॉफ्ट ने एज अ अपॉर्चुनिटी देखी और यहां पे बैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेसेस से मोटा पैसा यहां पे चार्ज किया जा रहा है विंडोज की लाइसेंस के लिए, भले आप कह लो कि कोई भी SBI बैंक है या फिर टाटा मोटर्स जैसे कोई भी XYZ बड़ी कंपनी है जहां पे मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे हैं, उनको अपना सॉफ्टवेयर कुछ भी चलाना है तो यहां पे उनको एक हैवी प्राइस देना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को, जिसकी वजह से वहां पे वो सारी चीजें फ्लॉलेसली रन कर पाएंगी। इसके बाद प्रीमियम सपोर्ट जो है इनका वो एब्सोल्युटली पेड यहां पे रहेगा। अब छोटे मोटे कोई इश्यूज होते हैं तो वो आप ट्यूटोरियल देख सकते हो यूट्यूब पे या फिर किसी ऐसे में, लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट लेवल का कोई इशू आता है जो किसी कंपनी को परेशान कर रहा है तो ऐसे में जो प्रीमियम सपोर्ट उनको लेना पड़ेगा उसके लिए पैसा अच्छा खासा यहां पे लिया जाएगा। इसके बाद विंडोज ने अपना एक हेलो सिक्योरिटी फीचर यहां पे लॉन्च किया था, जिसमें बायोमेट्रिक्स फेशियल रिकॉग्निशन या फिर पिन से आप अपना लैपटॉप के अंदर साइन इन कर सकते हो, लेकिन यहां पे ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन। क्यों? क्योंकि उससे लैपटॉप में बहुत जल्दी और इजीली साइन इन हो जाता है। लेकिन यहां पे अदर साइड ऑफ द कॉइन पे हो क्या रहा था कि इन लोगों का माइक्रोसॉफ्ट का न्यूरल इंजन वहां पे ट्रेन हो रहा था, उसको फ्री में मल्टीपल हजारों लाखों करोड़ों फेसेस मिल रहे थे एनालाइज करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए। अब माइक्रोसॉफ्ट इसको यूज कर सकता है एज एन एक्स्ट्रा ऐप और वो बाकी की सर्विसेज उसके अंदर डाल करके AI को यूज करके एक नई ऐप डेवलप करके कॉर्पोरेट्स या फिर दूसरे जनरल लोगों को बेच सकता है। ऐप से याद आया, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऐप स्टोर है वो विंडोज 8 के साथ लॉन्च हुआ था और विंडोज 7 और 8 वालों को फ्री अपग्रेड दे दिया गया 10 का, तो ऐसे में क्या हुआ, जो सारे 7 और 10 वाले यूजर्स थे वो ट्रांजिशन कर गए 10 में और इसके बाद जो नए यूजर्स विंडोज के लैपटॉप्स के थे उनको फ्री इंस्टॉल्ड प्री इंस्टॉल्ड डली हुई आई रही थी विंडोज 10, और अब और जो नए यूजर्स जुड़ने लगेंगे उनके लिए तो फ्री हो ही गई है। तो ऐसे में जितने भी सारे इसका कोर यूजर बेस होने वाला है वो सारा का सारा ऐप स्टोर को यूज करेगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब इतनी सारी पब्लिक यहां पे माइक्रोसॉफ्ट का ऐप स्टोर यूज करेगी तो वहां पे डेवलपर्स की बहुत बड़ी लाइन लग गई है अपनी नए नए क्रिएटिव ऐप्स बनाने के लिए। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना गेम क्या खेला है कि जितने भी ऐप्स वहां पे लिस्टेड होंगे उसका 30% ऑफ ईच सेल वो हर डेवलपर को माइक्रोसॉफ्ट वहां पे डिडक्ट करके देगा, मतलब 30% अपनी कमीशन ले लेगा जितनी भी ऐप्स वहां पे सेल होंगी। एक स्टेप और आगे चलते हैं तो विंडोज 10 और 11 में कुछ ब्लोटवेयर आने लग गए हैं, जैसे कि कैंडी क्रश और इस तरीके कुछ और ऐप्स। तो आपको पता ही होगा यहां पे क्या होता है कि कंपनीज जैसे कि कैंडी क्रश वो पैसा देती है माइक्रोसॉफ्ट को कि भाई हमारी ये ऐप प्री एम्बेड करके दो जिससे ज्यादा से ज्यादा यूजर उसको खेलें और फिर उसमें से कुछ लोग जो हैं उसका रेवेन्यू जनरेट करा देंगे इन ऐप परचेजेस करके। और ये चीज हमने काफी सारे एंड्रॉइड के फोन्स के अंदर देखी हुई है जो ब्लोटवेयर्स का पूरा सीन है, तो माइक्रोसॉफ्ट को यहां से भी एक स्टेप मिल गया यहां पे पैसा इकट्ठा करने का। इसके अलावा वन ड्राइव हो गई जो कि एक लिमिट के बाद वो भी पेड है, इसका मतलब अगर किसी को भी रैनसमवेयर से डर है कि भाई उनका सिस्टम हैक हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो सारी चीजें वो लोग बैकअप करके वन ड्राइव के ऊपर रख सकते हैं और उसका भी वहां पे माइक्रोसॉफ्ट चार्ज करेगा ही, फ्री में नहीं देगा। इसके बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उस ऑफिस के अंदर एक छोटा सा प्रोडक्ट एक्सेल ही ले लो। इंडिया में इनकम टैक्स की ITR भी एक्सेल के ऊपर ही यहां पे चढ़ाई जाती है, फाइल होती है। अब इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर सिर्फ XML फाइल्स अपलोड होती है जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को सिर्फ इसीलिए एक्सेल परचेज करना पड़ जाता है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखें तो टैली बिजी इस तरीके की जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज के ऊपर काम करते हैं, मैक पे करते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा के, लेकिन
प्राइमरीली और ऑफिशियली सिर्फ विंडोज के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से जो सारे बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट विंडोज ही लेते हैं। इतना ही नहीं है, अगर आप विंडोज का स्टार्ट बटन दबा के कुछ भी लिखना शुरू कर दोगे तो आपको वेब के सर्च रिजल्ट्स आते हैं और वो सर्च रिजल्ट्स बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ बिंग के आते हैं, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो इतना बड़ा यूजर बेस अगर लेके चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट, जो जबरदस्ती बिंग को यूज करवा रहा है, तो ऐसे में क्या पता आगे चलकर इनका प्लान होगी गूगल को टक्कर देंगे, दे पाएंगे? मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं कहूंगा। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में नीचे कमेंट करके मुझे बताना। तो ओवरऑल अगर आप सीन को देखो तो माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ विंडोज ही फ्री करी है, लेकिन उससे लिंक्ड जितनी भी अपनी एप्स हैं या फिर जितनी सर्विसेज हैं वो उनको और स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं, जिससे कि जो पब्लिक है वो उनको लेने के लिए प्रेशर में आ जाए कि वो वाली सर्विस उनको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना ज्यादा उसको बेहतर बनाते जा रहे हैं और अल्टीमेटली वो उस ऐप को लेने के लिए या फिर उस सर्विस को लेने के लिए वहां पे करेंगे। ओवरऑल कह सकते हैं कि नमक फ्री है, लेकिन सब्जी के बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हमको उन्हीं से ही लेने पड़ेंगे, ऐसा वो तो सोच ही रहे हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हो तो नीचे कमेंट करके बताना, या फिर आपका कोई और ओपिनियन हो तो भी बताना, जिससे बाकी कम्युनिटी जो ये वीडियो देखे उनको ये पता लगे कि भाई पूरा का पूरा सीन चल क्या रहा है। आपका जो भी ओपिनियन हो बहुत ज्यादा मैटर करता है, सारा कुछ नीचे लिखना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या, और हां, हैप्पी दिवाली।